हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर के लेक्चर्स के अंदर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑन वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारे वी कर्व्स जो हैं वो आई ए वर्सेस एक्साइटेशन के बीच में हमने प्लॉट किया था, और जो इन्वर्टेड वी कर्व्स हैं वो पावर फैक्टर और ई के बीच में हमने प्लॉट किया था। ये वन है क्योंकि हमारा मैक्सिमम पावर फैक्टर है, और ये जो जहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है करंट की वो आई ए नॉट होता था, आई ए नॉट, और इस एक्साइटेशन को हम कहते थे नॉमिनल एक्साइटेशन। तो जहाँ पे पावर फैक्टर हमारा वन होता था तो वो होता था हमारा नॉमिनल एक्साइटेशन। इस नॉमिनल एक्साइटेशन पे हमारा जो करंट होगा वो मिनिमम होगा और पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। तो अब हमने जो देखा था तो उसमें हमारी पावर जो थी वो कांस्टेंट थी, टर्मिनल वोल्टेज हमने कांस्टेंट ले रखा है। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एट यूनिटी पावर फैक्टर, जिससे हमें थोड़ा बेसिक आसानी समझ में आ जाए कि अगर हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। हमने पावर कर दी P2, पहले हमारी P1 थी, सच दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। तो हमारे पास जो P का फॉर्मूला आया था वो आया था V IA cos थीटा या cos phi, जो भी आप लेना चाहें। अगर पीछे लेक्चर में phi लिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि phi और थीटा जो है सेम चीज़ है, V और I के बीच में रिलेशन रियल पावर। तो यूनिटी पावर फैक्टर इसका मतलब क्या है कि हमारा cos थीटा वन हो गया, तो पावर जो हो गई हमारी वो हो गई वी इंटू आई ए। तो अगर पी वन हमारी वी आई ए वन होगी तो पी टू हम ले सकते हैं वी इंटू आई ए टू। वी जो है हमारा कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट रहेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा पी टू इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारा आई टू जो है वो आई ए वन से ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमारा आर्मेचर करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो EMF इक्वेशन है, EMF इक्वेशन जो है वो है हमारी E इज इक्वल टू बी माइनस जे आई ए नॉट एक्सेस। ये हमारा है नॉमिनल एक्साइटेशन। अगर इसका फेजर आपको याद नहीं है तो फेजर इसका हमारा V ऐसे था हमारा, और आई ए नॉट हमारा फेज में रहेगा, तो वी में से हम माइनस जे आई ए नॉट एक्सेस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ई नॉट मिल जाएगा। ये हमें ई नॉट मिल गया। अब क्या हुआ कि पावर हमने इंक्रीज करी, तो पावर इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा आई ए नॉट का। तो जो हमारा पहले ट्रायंगल, इसको दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जगह नहीं है, आई ए नॉट बी माइनस जे आई ए नॉट एक्सेस, और ये जो आएगा हमारा ई नॉट। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस जे आई, अब मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर्स में कि अगर हमारे पास आई ए इस फेज में है, इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, इसको अगर हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आई ए जो है हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। तो अगर हमारा आई ए ऐसे है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस जे का मतलब क्या है कि हमने हमारे पास, अगर आपको याद हो रियल और इमेजिनरी, यहाँ पे वन होता है हमारा, तो यहाँ पे हम जे लेते हैं, जे से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री, फिर हमने जे स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जे की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी अंडर रूट माइनस वन। तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन, यानी कि हमारा माइनस वन ही आ जाएगा, और हमारा
माइनस जे आ जाएगा, जे जे स्क्वायर और जे क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा जे फोर, यानी जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जाहिर सी बात है अगर जे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आई ए हमारा इस डायरेक्शन में है तो जे आई ए नॉट आई ए इस डायरेक्शन में होगा और माइनस जे जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारा जो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे, तो ये क्लॉक वाइज हो गया। अब क्या किया कि हमने पावर को बढ़ा दिया, पावर को बढ़ाने से क्या हुआ हमारा आई ए इंक्रीज हो गया। तो अगर पी टू की बात करें तो हमारा जे आई ए नॉट टू एक्सेस, यूनिट पावर फैक्टर चल रहा है इसलिए हम वही ले रहे हैं, ये हो गया हमारा ए नॉट टू। तो अगर अब हम देखें इस ट्रायंगल में अगर ये वेक्टर की वैल्यू बड़ी है तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें देखें इसका मैग्नीट्यूड, या देखें हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो ए नॉट है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो पाइथागोरस से ए नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम और इंक्रीज करें पावर को तो करंट हमारा और इंक्रीज हो जाएगा, और सिमिलरली जो हमारा नॉमिनल एक्साइटेशन की वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी यूबीएफ क्या रहा हमारा सेम रहा, वो तो वन ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्या हो रहा है आई ए इंक्रीज हो रहा है और साथ में हमारा ई इंक्रीज हो रहा है। तो आइए इसको प्लॉट करते हैं, हमारे पास आई ए, ये हमारा वी कर्व, और ये हमारा नॉमिनल एक्साइटेशन जो ओरिजिनल था हमने जो लिया था इसी के सीरीज में हम ये ले लेते हैं ई नॉट। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर जो है मैक्सिमम होगा, ये हमारा इन्वर्टेड वी कर्व हो गया। तो ये कब था हमारा, जब हमने सबसे पहले पावर यूज करी थी, यानी मिनिमम पावर हो गई हमारी। अब हम P2 पर चले गए, such that P2 is greater than P1। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा आई ए टू था वो भी इंक्रीज हो जाएगा आई ए नॉट वन से। तो आई जब इंक्रीज होगा, अभी हमारा आई ए नॉट यहाँ पर था, इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है ऊपर इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये हो जाएगा हमारा आई ए टू आई ए नॉट टू। और साथ में क्या हो रहा है ई इंक्रीज हो रहा है, ई भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए हमारा ई नॉट, ई नॉट टू, ई नॉट थ्री इंक्रीज हो रहा है। तो जब ई इंक्रीज होगा तो इस तरफ मूव करेगा, यानी कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आएगी ई नॉट टू की हम यहाँ ले लेते हैं सपोज कीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आई ए नॉट और ये हमारा ई टू नॉट। तो हमने ये देखा कि हमारा जो वी कर्व है वो ऊपर की भी तरफ शिफ्ट हुआ और राइट की तरफ भी मूव किया, पहले इधर था ना हमारा मिनिमम पॉइंट ई नॉट आई नॉट, आई नॉट एक करंट ये था, ई के नॉट की वैल्यू ये थी, ई बढ़ गया तो हमारा कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो गया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। जब हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो और ऐसे मूव करेगा। तो ये हमारा इन्वर्टेड वी कर्व है, सॉरी वी कर्व है कि जैसे जैसे हमारी पावर इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो वी कर्व है ऊपर की तरफ और टूवर्ड्स राइट मूव करता रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, तो ये आ गया हमारा ई नॉट, ये आ गया हमारा ई नॉट टू। तो पावर फैक्टर तो बन रहना ही है, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो पहले पावर फैक्टर जो ई नॉट की वैल्यू ये थी, अब न्यू ई नॉट की वैल्यू वन, सॉरी ई नॉट की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो पावर फैक्टर वन जो होगा वो यहाँ पर होगा, यूपीएफ यहाँ अचीव होगा। तो जो हमारा इन्वर्टेड वी कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट हैंड साइड मूव करेगा जब हम पावर को इंक्रीज करते रहेंगे। तो अगर ये किसी ने पढ़ा नहीं है इन्वर्टेड वी कर्व्स या वी कर्व्स,
तो ऊपर कार्ड कार्ड आ रहा है, लिंक आ रहा है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर एक और लिंक आ रहा है हमारा, इफेक्ट ऑफ वेरिंग फील्ड और इफेक्ट ऑफ वेरिंग लोड, तो उसकी हेल्प से हमने वी कर्व बनाया था। और उसके बाद ये है, तो इसके अगला टॉपिक जो होगा हमारा ऑपरेशन एट नो लोड होगा, ऑपरेशन एट नो लोड अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन के लिए। तो इस टॉपिक में कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।